नोबल पुरस्कार। नोबल फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो शांति, साहित्य, भौतिक, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय भौतिक शास्त्री 1930 में उन्हें भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिका में अनुसंधान करते हुए 1968 में उन्हें मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। 1948 में उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली। मानवीय कार्यों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर विख्यात भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री भौतिक शास्त्र पर उनके अध्ययन के लिए 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। दलाई लामा तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु 1989 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता बाल श्रम के विरुद्ध किए गए कार्यों की वजह से 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। वेंकट रामकृष्णन एक जीव वैज्ञानिक इनको 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिजीत बनर्जी एक प्रख्यात भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें एस्थर डफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी पत्नी एस्थर डफ्लो के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे छठे विवाहित जोड़े हैं।